हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। इसके रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आए हैं फ्रेंड्स, और इसका सीधा सीधा फायदा शेयर होल्डर्स को होता हुआ दिख सकता है। क्या न्यूज़ निकल कर आए हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया है, मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अभी भी पैनिक का माहौल बना हुआ है। कई एनालिस्ट निकल कर आ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी गिरावट का संकेत दिया है फ्रेंड्स। इसके रिलेटेड भी क्या न्यूज़ निकल कर आई है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों ने भी 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये पर बाइंग की थी, उनका कैपिटल फंसा हुआ है और ऊपर जाने की बजाय ये नीचे ही गिरता हुआ जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में गिरावट है जिसका सीधा सीधा असर हमें येस बैंक पर भी देखने को मिल रहा है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बेचकर एग्जिट हो जाना चाहिए या फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए? अगर आपने येस बैंक में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एंड तक बने रही है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिमाइंडर दे देता हूँ हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाजू जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 12 रुपीज़ 40 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.80% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। 10-20 पैसे का हमेशा से मूवमेंट रहा है येस बैंक में, और आपने देखा ही है मार्केट में भयंकर गिरावट थी लेकिन येस बैंक में सिर्फ मिनिमम यानी कि 10-20 पैसे का गिरावट देखने को मिल रही है। ये ओपन हुआ था 12 रुपीज़ 55 पैसे पर, यह हाई लगाया 12 रुपीज़ 70 पैसे और लो लगाया 12 रुपीज़ 35 पैसे। और अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखें फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 10 पैसे की ही गिरावट हुई है जबकि सभी बैंकिंग स्टॉक्स में लगभग 2% 3% की गिरावट हुई है। चलिए नेक्स्ट हम एनएससी पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड है, लगभग 9 करोड़ के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है और लगभग 3 करोड़ के करीब इसमें डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 33.30% की डिलीवरी उठाई गई है फ्रेंड्स। और नेगेटिव साइड देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद भी सेलिंग ऑर्डर्स में 5,36,807 के सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी बाकी है फ्रेंड्स। और किसी भी स्टॉक में इस समय एग्रेसिवली बड़ा अमाउंट का यानी कि बड़े कैपिटल का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप नाफा देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट हम BSE पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड है 1,79,09,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 65,44,000 की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 36.54% की डिलीवरी उठाई गई है। चलिए नेक्स्ट हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मंथ का एवरेज है 7 करोड़, 1 वीक का एवरेज 6 करोड़ और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 11 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आई है। यहाँ आप देख सकते हैं शेयर्स डिस्प्यूट, बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्ट्स डिश टीवी प्रमोटर्स प्ली सीकिंग रिलीफ अगेंस्ट येस बैंक। डिश टीवी ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी येस बैंक आने वाले एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि 24th को कंडक्ट की जाने वाली है उसमें पार्टिसिपेट ना करें, उस याचिका को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये पॉजिटिव स्टेप है येस बैंक के लिए और येस बैंक के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आने वाले एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि 24 जून को कंडक्ट होने वाला है उसमें येस बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा और अपने वोटिंग राइट्स का पूरा पूरा इस्तेमाल कर पाएगा। अगर हम इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कंटिन्यू करें तो आप यहां देख सकते हैं लास्ट मंथ डिश टीवी हैड मेड एन अनाउंसमेंट अबाउट EGM टू रेटिफाई एंड पास ए रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर एंड ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डिश टीवी। डिश टीवी के मैनेजमेंट को रीअपॉइंट करने की मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये EGM में येस बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा और आपने देखा ही है स्टार्टिंग से ही येस बैंक का और डिश टीवी का 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और येस बैंक को वोटिंग राइट मिलने की वजह से मुझे लगता है ये डिश टीवी के मैनेजमेंट के अगेंस्ट वोटिंग करेगा। तो ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कैरल ग्रुप आई 10% स्टेक इन येस बैंक वाया कन्वर्टेबल डेप्ट राउट। कैरल कंपनी जो है 10% स्टेक ले सकती है येस बैंक में, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स। और ये इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा यानी कि FDI के द्वारा ये इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कंटिन्यू करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एज पर नॉर्म्स टू होल्ड ओवर ए 4.9% स्टेक इन द बैंक द कंपनी इज मस्ट गेट द अप्रूवल ऑफ द RBI।
आरबीआई की तरफ से इन्हें अप्रूवल लेना होगा। अगर मोर देन 4.9% है तो उस स्टेक अगर लेते हैं तो उसे आरबीआई की तरफ से अप्रूवल लेना होगा फ्रेंड्स। और यहाँ तो 10% स्टेक लेने की बात हो रही है तो इन्हें डेफिनेटली आरबीआई के द्वारा परमिशन यानी कि अप्रूवल लेकर ही येस बैंक में पोजीशन बनाना पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट रिपोर्ट हैड स्टेटेड दैट केएलएल इज मूलिंग ए 3750 टू 4500 करोड़ 3750 से 4500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है येस बैंक के लिए और येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को येस बैंक में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखें तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं येस बैंक सीक्स शेयर होल्डर्स नॉट फॉर रेजिंग अप टू ₹10,000 करोड़ डेप्ट कैपिटल। 10,000 करोड़ का डेप्ट कैपिटल रेज होने की न्यूज निकल कर आई है और उसके साथ साथ द बैंक विल सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स में भी अमेंडमेंट लाया जाएगा और उसके लिए भी अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर्स का। अगर हम इस न्यूज को आगे देखें तो आप यहां देख सकते हैं येस बैंक विल सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल नेक्स्ट मंथ टू रेज डेप्ट कैपिटल ऑफ ₹10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रेज करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाएगा और एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी July 15th को। आप ये देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डे रह सकता है। बैंक का एनुअल जनरल मीटिंग स्केड्यूल हो सकती है 15th जुलाई को और इस एनुअल जनरल मीटिंग में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि फंड रेजिंग है और ARC से भी रिलेटेड कुछ भी न्यूज आ सकती है किसी भी समय, क्योंकि लगातार पिछले 2 क्वार्टर्स से ARC लाने के लिए बात निकल कर आ रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। देखना होगा कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में क्या येस बैंक के मैनेजमेंट यानी कि प्रशांत कुमार जी इसे ला पाएंगे। इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी तो हम अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंडे मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में 0.13% की गिरावट दर्ज हुई है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर हम नैसडैक देखें तो नैसडैक में 1.43% की अपसाइड तेजी दिखाई दी है फ्रेंड्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मार्केट में अभी भी इन्फ्लेशन का डर शेयर होल्डर्स में देखने को मिल रहा है और कई सोर्स से न्यूज निकल कर आ रही है कि इसमें और बड़ी गिरावट होने की संभावना है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट में 10-15% और गिरावट हो सकती है, क्योंकि जब से फेड ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है 0.75 बेस पॉइंट बढ़ाया है तब से मार्केट में इन्फ्लेशन का डर शेयर होल्डर्स के माइंड में बैठ गया है फ्रेंड्स। तो ये देखते हुए हमें मार्केट में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस समय हमें चाहिए कि हम क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें और जितनी गिरावट होती है उसमें हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए फ्रेंड्स। और जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिले। जो येस बैंक में निवेश करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स ये एक अच्छा मौका निकल कर आ रहा है। जब भी ये 12 रुपीज़ पर आएगा तब इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपके कैपिटल का 20-30% इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि अगर हम पिछले चार्ट को देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले 2 साल से ये 12 रुपये और 14 रुपये के बीच में ही जगलिंग करता हुआ आ रहा है। इसका 12 रुपीज़ एक स्ट्रांग सपोर्ट लेकर चल सकते हैं और इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये कहां तक नीचे गिर सकता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूं। फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूज थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले।